नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट धनंजय कुमार द्विवेदी एक बार फिर से आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि सोमवार को मतलब कि 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सभी वकीलों के लिए, ये वीडियो एक दो नहीं सभी वकीलों के लिए, डिग्री के सत्यापन के लिए हरी झंडी दे दी। चलिए बताता हूं मैं आप लोगों को इसका पूरा मैटर क्या है। इसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी के ने क्या कहा, वो पूरी चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। तो दोस्तों, गौर से आप लोग सुनिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों बताता हूं मैं आपको। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने सभी राज्य बार काउंसिलों को बीसीआई के एक कार्यालय आदेश को चुनौती देने वाले एक वकील अजय शंकर श्रीवास्तव की याचिका पर आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के अलावा समिति में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण टंडन, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन, वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी और मनिंदर सिंह और बीसीआई द्वारा नामित 3 सदस्य शामिल होंगे। तो दोस्तों, ये मैटर ये है, मामला क्या है, वो मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि जितने वकील हैं अपने भारत में, उनकी डिग्री एनरोलमेंट और शैक्षिक प्रमाण पत्र को लेकर के ये कहा गया है कि अगर इनकी जांच की जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे वकील हैं जो फर्जी टहल रहे हैं, उनका कोई किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको 31 अगस्त तक की टाइम दे दिया गया है कि 31 अगस्त तक ये पूरा प्रोसेस हो जाना चाहिए और उसके लिए विश्वविद्यालय से भी एक वेरिफिकेशन होना चाहिए कि ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है वहां से सच में है या नहीं है। तो इस चीज की प्रक्रिया के लिए दोस्तों 2015 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने सर्टिफिकेट और प्लेस ऑफ प्रैक्टिस सत्यापन नियम पेश किया। राज्य बार काउंसिल एसबीसी और बीसीआई द्वारा अधिवक्ताओं की उनके अभ्यास के स्थान से सत्यापन प्रक्रिया का संचालन किया गया था, लेकिन इस प्रक्रिया को कई उच्च न्यायालय में नियमों द्वारा चुनौती दी गई थी। बीसीआई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक स्थानांतरण याचिका दायर की गई थी और उच्च न्यायालय के समक्ष कार्रवाई की शीर्ष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। न्यायालय ने न्याय प्रणाली अखंडता की रक्षा के लिए अधिवक्ताओं की शैक्षिक योग्यता को सत्यापित करने के महत्व पर जोर दिया। बीसीआई चेयरपर्सन ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने का सुझाव दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। तो मतलब दोस्तों, कोर्ट ने यह स्वीकार कर लिया है कि जितने भी वकील हैं इनके इनरोलमेंट, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट और जो डिग्री, मतलब आप किस विश्वविद्यालय से डिग्री लिए हैं, वो उसका सत्यापन होगा कि आप सच में हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत से जो फर्जी वकील घूम रहे हैं उस चीज के लिए इसका सत्यापन किया जा रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।